हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज एक क्वेश्चन है कि कंपोजिट फिश कल्चर क्या होता है। तो जहाँ तक फिश कल्चर की बात है, तो फिश कल्चर ये होता है कि फिश को पालना, उनकी देखभाल करना, उनको फीड करना, उनको बीमारियों से बचाना, इसी को फिश कल्चर कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि कंपोजिट फिश कल्चर क्या होता है। तो कंपोजिट फिश कल्चर ये होता है कि कई तरह की फिश को, मतलब फिश की कई सारी स्पीसीज को एक साथ एक ही पॉन्ड्स में या एक ही वाटर बॉडी में उनको रखना या पालना, इसको कंपोजिट फिश कल्चर कहा जाता है। अब कंपोजिट फिश कल्चर में प्रॉब्लम क्या होती है कि कई तरह की फिश को जब साथ में रखा जाता है, तो फिर इस बात का डर रहता है कि वो उनके फूड को लेकर उनमें कंपटीशन होगा, या बहुत सारी फिश ऐसी होंगी जो दूसरी फिश को खा लेंगी। तो इसलिए बहुत सारी फिश को एक साथ मिला करके रखना, पालना या एक ही पॉन्ड में रखना, इसमें कई बार प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए कंपोजिट फिश कल्चर में हमेशा इस बात का ख्याल रखा जाता है कि जो जो स्पीसीज़ उसमें पाली जा रही हैं, जो एक साथ रखी जा रही हैं, उनकी जो फूड हैबिट है वो बिल्कुल डिफर हो। वो फूड के लिए आपस में कंपटीशन ना करें, या वो ऐसा ना हो कि फूड के लिए वो एक दूसरी फिश को खाने लगें। तो कंपोजिट फिश कल्चर में इस बात का ख्याल रखा जाता है कि फूड हैबिट डिफर हो। तो अगर जब फूड हैबिट डिफर होती है, तो फिर वो एक जो पॉन्ड होता है उसके फूड का पूरा यूज़ भी हो जाता है, और उस जगह का यूज़ हो जाता है, उस मतलब उस पॉन्ड का पूरा यूज़ हो जाता है अगर कंपोजिट फिश कल्चर होता है तो, और उस फूड का भी पूरा यूज़ हो जाता है जो फूड उस पॉन्ड में होता है, और फिश की ईल्ड भी बढ़ जाती है, मतलब प्रोडक्शन बढ़ जाता है। अगर किसी एक फिश को ही पालेंगे तो उससे जितना प्रोडक्शन होगा, उससे कई गुना ज़्यादा फिश का प्रोडक्शन तब बढ़ जाता है जब कंपोजिट फिश कल्चर हम रखते हैं। तब कंपोजिट फिश कल्चर जो होता है प्रोडक्शन के लिहाज से ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, और उसमें यह होता है कि कम जगह में ही उतना प्रोडक्शन हो जाता है जितना कि उसके लिए ज़्यादा स्पेस चाहिए अगर एक एक अलग अलग तरह की फिश उसमें पालें तो। और कंपोजिट फिश कल्चर में एक ही पॉन्ड में, एक ही वाटर बॉडी में कई तरह की फिश पालते हैं उसमें, और उनकी फूड हैबिट का बस ख्याल रखा जाता है कि उनकी फूड हैबिट सेम ना हो, उनकी फूड हैबिट सिमिलर ना हो। तो जहाँ तक आपका क्वेश्चन है कि कंपोजिट फिश कल्चर क्या होता है, तो कंपोजिट फिश कल्चर यही होता है कि एक पॉन्ड में या एक वाटर बॉडी में एक से ज़्यादा फिश की स्पीसीज को साथ में पालना, इसको कहा जाता है कंपोजिट फिश कल्चर। तो उम्मीद करते हैं आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर इसमें कोई कन्फ्यूज़न है, किसी तरह का कोई और क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।